तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग इन एरर्स वीबी 6.0 लेक्चर नंबर 3। सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिक्वायर्ड डेटा इन द एरे। सर्चिंग बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट व्हेन द लेंथ ऑफ द एरे इज वेरी लार्ज। यानी सर्चिंग बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एरेज में से डेटा को सर्च किया जाता है। और ज़्यादातर सर्चिंग को कब यूज़ किया जाता है, जब हमारे पास एरे की जो लेंथ है वो बहुत लार्ज होगी। अब सर्चिंग के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है सिक्वेंशियल सर्च मेथड एंड सेकंड वन इज़ बाइनरी सर्च मेथड। तो सिक्वेंशियल को हम पहले डिस्कस करते हैं। सिक्वेंशियल सर्च इज़ आल्सो कॉल्ड लीनियर सर्च और सीरियल सर्च। इट इज़ अ सिंपल वे टू सर्च एन एरे फॉर द डिजायर्ड वैल्यू। इट फॉलोज द फॉलोइंग स्टेप टू सर्च अ वैल्यू इन एरे। सिक्वेंशियल सर्च के डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे लीनियर सर्च भी इसको कहा जाता है, इसको सीरियल सर्च भी कहा जाता है। और ये एक बहुत सिंपल सा मेथड है एरे में से डिजायर्ड वैल्यू को सर्च करने का। और कुछ हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है और हम इजीली जो है वो एरे में से डेटा को सर्च कर सकते हैं। नंबर वन पॉइंट क्या है, विजिट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे एंड कंपेयर इट्स वैल्यू विद द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब जो हमारे पास यूज़र वैल्यू इनपुट करवाएगा, जो हमने नंबर स्पेसिफिक एक ढूंढना होगा, जो सर्च करना होगा, उस नंबर को हम कंपेयर करेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना एरे का इंडेक्स जीरो पे उसके साथ। सेकेंड है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एरे मैचेज विद द डिजायर्ड वैल्यू द सर्च कम्प्लीट। इफ़ द वैल्यू ऑफ एरे डजेंट मैच मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट एंड रिपीट द सेम प्रोसेस। पहले क्या, अगर एरे की वैल्यू मैच कर जाती है जो डिजायर्ड वैल्यू है जिसको हमने सर्च करना था, तो वहाँ पे हमारी सर्च कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर एरे की वैल्यू जो स्पेसिफिक इंडेक्स है वहाँ पे वो डिजायर्ड वैल्यू से मैच नहीं कर रही, तो हम उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे अनटिल कि हमें वो रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो मैच कर जाती है, मिल जाती है। अब इसके लिए क्या यूज़ होता है, लूप्स। लूप्स आर फ्रिक्वेंटली यूज टू विजिट द एलिमेंट्स ऑफ एरे फॉर सर्चिंग अ वैल्यू। यू कैन स्टार्ट काउंटर वेरिएबल ऑफ लूप फ्रॉम जीरो एंड मूव इट टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे। होता क्या है कि लूप्स को बेसिकली यूज़ किया जाता है जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं उनको सर्च करने के लिए, लूप्स के थ्रू उनको विजिट किया जाता है। और काउंटर वेरिएबल होता है लूप्स के अंदर जो कि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है और लास्ट इंडेक्स तक जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि 10 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करती है एक एरे, तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, वो जीरो वैल्यू से काउंटर वेरिएबल स्टार्ट करेगा और 9 तक वो मूव करेगा। प्रोग्राम 7.6, राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स 5 वैल्यूज इन एन इंटीजर एरे। It gets a number from the user and finds it in the array using sequential search. एक हमने array बनानी है और उसके अंदर integer type की array और उसमें 5 values को store करवा देना है। अब user से एक number input करवाना है और array में उस number को compare करना है जितने भी indexes पे values पड़ी हैं उनके साथ, और method कौन सा use करना है, sequential search method। अब अगर हम इसका प्रोग्राम देखें तो हमने बेसिकली एक फॉर्म लेना है, फॉर्म के ऊपर एक कमांड बटन बनाना है, कमांड बटन पे डबल क्लिक करना है एंड देन कोड विंडो जो अपीयर होगी उसमें अब हमने कोड क्या लिखना है। सबसे पहले हम वेरिएबल्स देखते हैं, डिम नम 5 एज इंटीजर, हमने 5 एलिमेंट्स लेने थे ना, डी एज इंटीजर एंड आई डी एज इंटीजर। अब डी और आई डी इसमें कैसे यूज़ होंगे इनको हम देख लेते हैं। आई डी इक्वल टू -1, आई डी की यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या है, -1। और जो हमारे पास एरे में डिफरेंट इंडेक्सेस हैं वहाँ पे हम वैल्यूज़ असाइन कर देंगे, जैसे नम ऑफ 0 में 10 है, नम ऑफ 1 में 20 है, नम ऑफ 2 में 30 है, नम ऑफ 3 में 40 है, नम ऑफ 4 में 50 है। डी इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इंटर नंबर टू फाइंड सर्चिंग एंड 0। अब इनपुट बॉक्स के थ्रू वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करवाई जाएंगी। इंटर नंबर टू फाइंड, ये इसमें टाइटल लाइक प्रॉम्प्ट होगी, सर्चिंग इसका टाइटल होगा और 0 इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी इनपुट बॉक्स में। और ये जो इनपुट बॉक्सेस में यूज़र वैल्यू इंटर करेगा ये किसको असाइन होगी, ये डी वेरिएबल को असाइन होगी। आई डी की इनिशियल वैल्यू हमारे पास -1 थी और डी जो है इनपुट बॉक्स वाली वैल्यू उसको असाइन हो जाएंगी। फॉर का यहाँ पे लूप लगाया जाएगा और काउंटर वेरिएबल 0 से स्टार्ट होगा और वो कहाँ तक वैल्यूज़ को चेक करेगा, वो 4 तक वैल्यूज़ को चेक करेगा। सो फॉर आई इक्वल टू 0 to 4। अब इफ़ नम ऑफ आई इक्वल टू डी देन आई डी इज इक्वल्स टू आई। अगर हमारे पास जो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यू है वो मैच कर जाती है डी की वैल्यू के साथ जो कि यूज़र ने इनपुट बॉक्स में इंटर की, तो क्या होगा, वहीं पे हमारी सर्च ख़त्म हो जाएगी और आई डी को असाइन हो जाएगा आई, वो स्पेसिफिक इंडेक्स, और एग्जिट कर देंगे हम फॉर को। एंड इफ नेक्स्ट में क्या है कि इफ़ आई डी इक्वल टू -1 देन
मैसेज बॉक्स में आ जाएगा वैल्यू नॉट फाउंड, यानी आई डी की अगर आई की वैल्यू असाइन नहीं होती और आई डी की वही अपनी माइनस वन वाली वैल्यू है तो उस केस में क्या होगा, वी बी इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैसेज डिस्प्ले होगा और उसमें लिखा हुआ होगा वैल्यू नॉट फाउंड। एल्स अगर आई डी को माइनस वन के बजाय कोई वैल्यू मिल जाती है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे यूज़र की वैल्यू उससे मैच कर जाती है तो वहाँ पे मैसेज बॉक्स में क्या डिस्प्ले होगा, वैल्यू इज़ एट इंडेक्स एड्रेस ऑपरेटर आई डी वी बी इन्फॉर्मेशन। वी बी इन्फॉर्मेशन के थ्रू डिस्प्ले हो जाएगा कि वैल्यू किसी स्पेसिफिक इंडेक्स जो कि आई डी का वैल्यू असाइन हुई है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पड़ी हुई है। अब अगर हम इसको वैल्यू के थ्रू देखें तो लाइक यहाँ पे यूज़र ने इंटर किया फॉर एग्ज़ाम्पल 30, यूज़र ने इंटर किया 30 और वो वैल्यू असाइन होगी डी को, तो फॉर का लूप क्या चेक करेगा, फॉर का लूप चेक करेगा कि ज़ीरो इंडेक्स को पहले वो चेक करेगा कि इफ़ नम ऑफ ज़ीरो इक्वल टू डी तो वहाँ पे मैच नहीं हुआ। दोबारा से लूप चलेगा 0+1, अब फॉर लूप में आई की वैल्यू हो जाएगी 1, इफ़ नम ऑफ 1 इक्वल टू डी, यानी नम ऑफ 1 पे हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे 20, तो 20 इक्वल टू 30 नो, दोबारा से लूप चलेगा और फिर वहाँ पे जो है वो अब नम ऑफ 2 हो जाएगा, तो नम ऑफ 2 पे हमारे पास 30 पड़ा हुआ है और हमारे पास डी की वैल्यू भी जो यूज़र ने असाइन किया है वो भी 30 है, तो यहाँ पे वैल्यू जब मैच कर जाएगी तो आईडी को असाइन हो जाएगा वो स्पेसिफिक इंडेक्स जो कि है 2 और फिर जो है वो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू इज़ फाउंड एट इंडेक्स 2 वी बी इन्फॉर्मेशन के थ्रू। सो इस तरह जो है ये प्रोग्राम काम करेगा। और अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो वैल्यू नॉट फाउंड अगर हमारे पास यूज़र की वैल्यू मैच नहीं करती, लाइक यूज़र ने यहाँ पे 70 इंटर कर दिया और 70 किसी भी इंडेक्स में नहीं पड़ा हुआ तो सूरत में मैसेज बॉक्स ये डिस्प्ले करेगा कि वैल्यू नॉट फाउंड। और दूसरे केस में अगर वैल्यू मैच कर जाती है लाइक जैसे हमने 30 की बात की तो वहाँ पे वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स जो भी उसका होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सेकंड इसमें पॉइंट आता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज़ अ क्विकर मेथड ऑफ सर्चिंग फॉर वैल्यू इन एरे, इट टेक्स लेस टाइम देन सिक्वेंशियल सर्च, इट लोकेट्स द मिडल एलिमेंट ऑफ एरे एंड कंपेयर विद द सर्च नंबर, इफ़ दे आर इक्वल सर्च इज सक्सेसफुल एंड द इंडेक्स ऑफ मिडल एलिमेंट इज रिटर्न, इफ़ दे आर नॉट इक्वल रिड्यूसेस द सर्च टू द हाफ ऑफ द एरे। होता क्या है कि बाइनरी सर्च हमारे पास एक अगर कंपैरेटिवली इसको कंपेयर किया जाए सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड से तो उसकी निस्बत ये एक क्विकर मेथड है सर्चिंग का वैल्यू को एरे में से सर्च करने के लिए और लेस टाइम लेता है सिक्वेंशियल सर्च की निस्बत। अब इसमें क्या होता है कि ये लोकेट करता है मिडल एलिमेंट ऑफ एरे, एरे में अगर 5 वैल्यूज़ हैं तो ये 3rd एलिमेंट को जो है वो लोकेट करेगा और उसकी वैल्यू को कंपेयर करेगा विद द सर्च नंबर। अगर जो है वो वैल्यू सर्च नंबर के इक्वल हो जाती है तो वहाँ पे हमारी सर्च हो जाएगी सक्सेसफुल और इंडेक्स जो मिडल एलिमेंट का है वो हमारे पास आंसर में आ जाएगा। लेकिन अगर जो मिडल एलिमेंट का जो मिडल एलिमेंट में जो वैल्यू पड़ी है वो हमारी जो सर्च नंबर है उसके साथ मैच नहीं करती, इफ़ दे आर नॉट इक्वल, तो हम क्या करेंगे, हम उस सर्च को रिड्यूस कर देंगे दो पार्ट्स में, हम उस सर्च को रिड्यूस कर देंगे दो पार्ट्स में। अब हमने लेफ़्ट पार्ट की तरफ जाना है या हमने राइट पार्ट की तरफ जाना है वो कैसे पता चलेगा, इफ़ द सर्च नंबर इज़ लेस देन द मिडल एलिमेंट, यानी अगर लाइक मेरे पास सर्च नंबर है वो 30 है और मिडल एलिमेंट अगर 40 है तो क्या होगा, द फर्स्ट हाफ ऑफ एरे सर्च अदरवाइज द सेकेंड हाफ ऑफ एरे इज़ सर्च। मेरे पास सर्च नंबर 30 है मिडल नंबर 40 है तो उस केस में क्या होगा, जो सर्च नंबर है वो लेस देन हो जाएगा मिडल से तो हम लेफ़्ट साइड पर जो फर्स्ट हाफ है एरे का उसमें फिर नंबर सर्च करना शुरू कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम सेकंड हाफ की तरफ मूव करेंगे। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द नंबर इज फाउंड और लूप कंप्लीट्स विद विदाउट सक्सेसफुल सर्च। अब ये प्रोसीजर चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और अनटिल जो है वो हमें वो नंबर फाउंड हो जाएगा या फिर जो है वो हमें नंबर फाउंड पूरी सर्च में नहीं होगा, यही दो केसेस इसके हो सकते हैं। बाइनरी सर्च इज़ वेरी क्विक बट इट कैन सर्च एन एरे ओनली इफ़ इट इज़ सॉर्टेड। अब इसका ड्रॉबैक लास्ट में क्या है कि बाइनरी सर्च एक क्विकर मेथड है बट इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ सॉर्टेड एरे पे काम कर सकता है। प्रोग्राम 7.7 है, राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स 5 वैल्यूज इन एन इंटीजर एरे, इट गेट्स द नंबर फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड्स इट इन द एरे यूजिंग बाइनरी सर्च। प्रोग्राम यहाँ पे है, फॉर्म लेना है, फॉर्म के ऊपर हमने कमांड बटन प्लेस करना है और उसके कैप्शन को जो है वो सर्च कर देना है, देन इसका आ जाएगा सीएमडी सर्च प्राइवेट सब सीएमडी सर्च अंडरस्कोर क्लिक form1.cls, ये फॉर्म को जो हम क्लियर करने के लिए होता है। dim array 4 as integer, num as integer, m as integer, s as integer and e as integer। यहाँ पे num वो नंबर है जो यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करवाएगा, m यहाँ पे जो है वो सेंटर या मिड होगा, s यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर होगा, e यहाँ पे एंडिंग नंबर होगा।
एरे को हम 0 to 4 जो है डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर देंगे, लाइक 10, 20, 30, 40, 50. उसके बाद स्टार्टिंग नंबर को हमने जो वैल्यू असाइन किया दैट इज़ 0 एंड एंडिंग नंबर को हमने वैल्यू असाइन किया 4. क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एरे में है वो टोटल 5 हैं. अब टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र वैल्यू एंटर करेगा जो कि नंबर वेरिएबल को असाइन हो जाएगी और इसको फिर हमने चेक करना होगा. While s less than equal to e, जब तक हमारा इंडेक्स जो है वो s less than equal to e, यानी 0 is less than equal to 4, 0 is then 1 is less than equal to 4, 2 is less than equal to 4, 3 is less than equal to 4, 4 is equal to 4, तो यहाँ तक ये लूप चलता रहेगा. हम क्या चेक करेंगे? m equal to s plus e divided by 2. s में पड़ा हुआ है 0, e में पड़ा हुआ है 4, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2. तो m को यहाँ पे क्या साइन हो जाएगा? 2. इफ़ num इक्वल टू एरे ऑफ मिड देन, अब यूज़र ने जो भी नंबर इंटर किया, फॉर एग्जांपल यूज़र ने यहाँ पे 20 इंटर कर दिया है, तो क्या करेंगे हम? 20 इंटर किया है, 20 इक्वल टू एरे ऑफ m, एरे ऑफ m में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 2 लोकेशन पे 30, तो 20 नॉट इक्वल टू 30. देन प्रिंट में क्या आता था? नंबर फाउंड एट इंडेक्स. अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो ये जो प्रिंट में मैसेज लिखा हुआ है कि नंबर फाउंड एट इंडेक्स, ये डिस्प्ले हो जाता, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा ये चीज़ नहीं हुई तो एग्जिट कर देंगे हम इसको. एल्स इफ़ नम लेस देन एरे ऑफ एम देन, अगर हमारे पास जो नंबर है वो लेस है, हमारे पास जो नंबर था वो 20 था और एरे में पड़ा हुआ है 30, देन e इक्वल टू m माइनस 1, तो मिड में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हम 2 लोकेशन के बजाय 1 लोकेशन पे आ जाएंगे, और 1 लोकेशन पे जब हमने चेक किया तो वो उससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो सर्च आइटम हमें मिल चुका है. अगर हमें वो ना मिलता, लाइक हमने यहाँ पे अगला पोर्शन में चले जाते हैं, मिड पे 30 पड़ा हुआ है और यूज़र ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 इंटर कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? m प्लस 1, यानी मिड से हम एक अगला नंबर चेक करेंगे, ठीक है, और एंड इफ कर देंगे वेंट और प्रिंट नंबर नॉट फाउंड. अगर इसके अलावा यूज़र 70 या 80 इंटर कर देता है तो वहाँ पे आ जाएगा नंबर नॉट फाउंड. तो इस तरह जो है ये प्रोग्राम वर्क करेगा और बाइनरी सर्च के थ्रू जो है वो नंबर जिस इंडेक्स पे होगा उसको आप इजीली सर्च कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हमारे पास जो एरे है वो सॉर्टेड होनी चाहिए. So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS Department.